प्राचीन समय में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे तथा उनकी पत्नी का नाम माया था। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों ने उसका नाम सिद्धार्थ। अरे पंडित जी प्रणाम। आइए आइए, हमें आपसे इस बच्चे की भविष्यवाणी करवानी है। भविष्य बताइए हमारे सिद्धार्थ का। आइए आइए पंडित जी, विराजिए और अपने अनुभव, अपनी विद्या से हमारे सिद्धार्थ के भविष्य बताइए। आइए विराजमानिए। ओम शांति, ओम हरि ओम। महाराज, यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा को ही अपना धर्म चुनेगा। चलो इसको राजसी तो सुख सुविधाओं की आदत डालेंगे। अभी तो बच्चा छोटा है, कोई उपाय करेंगे। अपने चचेरे भाई के साथ पढ़ता खेलता था, जिसका नाम था देवदत्त। अरे यह तो बहुत घायल है, इसको तीर भी लगा है। सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। नहीं देवदत्त, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकता, यह एक घायल हंस है। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं, यह एक जंगली हंस है। बेचारे बेजुबान जानवर ने क्या किया जो तुम इसे मार रहे हो? जंगली ही सही, मगर यह भी हमारी तरह एक जीव है, हमारी ये भी एक जीव है। जंग इसे मैंने मारा है, यह इस पे मेरा अधिकार है, इसे मुझे दे दो। जंगली ही सही, मगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। दो सिद्धार्थ, मनमानी मत करो। अगर यही बात है तो चलो राजा के पास, अब वही न्याय करेंगे। नहीं देवदत्त, मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, ये मैंने साफ साफ कह दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं दे सकता, राजा के पास चलो, अब राजा ही न्याय करेंगे। मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। हंस पर पहला अधिकार सिद्धार्थ का है, क्योंकि भक्षक से बड़ा रक्षक होता है, मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला होता है। मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, मुझसे भूल हो गई। सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए, जिन्होंने अपना समस्त जीवन सत्य, अहिंसा, परोपकार व मानव धर्म को समर्पित कर दिया। शांति शांति हरि ओम।